वो चोला है के जिस पे रंग चढ़े ना तू जा, ये वो चोला है के जिस पे रंग चढ़े ना तू जा, हमने तो बचपन से की थी इस। विश यू ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और इस अवसर पे मैं आज आपको कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको पूरा डोंगरी का लोट दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये चार स्लेब का पूरा एक लोट है। इसके अंदर टोटल चार स्लेब है और चारों स्लेब का एक ही कलर है और यह डोंगरी है। मकराना के अंदर जो डोंगरी मार्बल है उसी के ये चारों स्लेब्स हैं। जो जमीन लेवल से 400-500 फीट डीप जो मार्बल चला गया है, डोंगरी की जो माइंस है वह 400-500 फीट डीप में चली गई है। और आप जो देख रहे हैं ये सब उसी क्वालिटी का मार्बल है। यह चक डोंगरी की खास बात एक ये है कि इसका क्रिस्टल एकदम बारीक मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं एकदम बारीक क्रिस्टल आपको इसका मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर कहीं पे भी फिगर आउट आपको नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हैं पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन आपको चलती हुई दिखेगी। तो इसके खास बात ये है कि इसके अंदर कहीं पे भी आपको फिगर आउट नहीं मिलेगा। टोटल ये चार स्लेब के अंदर आप मार्बल देखते हैं तो आपको इसके अंदर 2800 स्क्वायर फीट मार्बल मिलेगा। अगर आपको फ्लोरिंग के लिए 2000, 2500, 2800 जितना स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट हो तो आप इससे पूरी कर सकते हैं। ये मकराना की बेस्ट क्वालिटी है और इसके अंदर 98% कैल्शियम है। इसके ये जो आप मार्बल देख रहे हैं ना कभी पीला होगा ना कभी ख़राब होगा। और उसके अलावा ये जो आप चारों स्लेब की साइज़ देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड साइज है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर वाइटनेस भी बहुत अच्छी है और जो लाइनिंग भी आप देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन पेंसिल लाइन मिलेगी। ऐसी नहीं है कि लाइनिंग एकदम बड़ी लाइनिंग है, एकदम बारीक लाइन पेंसिल लाइन मिलेगी। और यह चारों सिमिलर स्लेब हैं। किसी स्लेब में 800 स्क्वायर फीट मार्बल है, किसी में 700 है। इस तरीके से टोटल ये 2800 स्क्वायर फीट मार्बल स्लेब है। अब मेन चीज इसके प्राइस की बात करते हैं। 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 100 रुपये इन स्लेब की प्राइस है। और इस प्राइस में यह लोट बिल्कुल भी बुरे नहीं है क्योंकि एक तो पूरा क्वांटिटी में लोट है और बड़ी स्लेब है, स्टैंडर्ड साइज है इनकी। उसके अलावा सबसे खास बात एकदम फ्रेश स्लेब है, इसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है और विदाउट फिलिंग है। विदाउट फिलिंग के साथ एकदम फ्रेश स्लेब मिलना डूंगरी का थोड़ा मुश्किल होता है और जो मैं आपको एकदम प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इनका जो डिज़ाइन बनेगा वह एकदम स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर पूरा डिज़ाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लगता है, एक सदाबहार डिज़ाइन होता है स्ट्रेट लाइन। तो इसका डिज़ाइन एक खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन बनेगा। इन स्लेब्स का जो कलर है इसका बेस पूरा वाइट है और लाइनिंग ग्रे लाइनिंग है। वाइट बेस के अंदर पूरी ग्रे लाइनिंग है। तो जो ये ग्रे लाइनिंग आपको दिख रही है इससे तो पूरा फिगर बनेगा, जो पूरा पैटर्न आगे से आगे बनता हुआ जाएगा वो ग्रे लाइनिंग बनेगा और इसका बेस पूरा वाइट रहेगा। अभी ये बिल्कुल रफ है, इस पर पॉलिश नहीं हो रखी है। पॉलिश होने के बाद में इसके अंदर बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी और लुकिंग इसकी बहुत अच्छी निकल के सामने आएगी। तो आप इसे घर की फ्लोरिंग के लिए यूज़ ले सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर विजिट।